हेलो गाइस, सबको सबसे पहले गुड मॉर्निंग। तो गाइस, ये सामने रखा हुआ है मेरा 8 इंची ड्यूल टॉप, जिसमें कि किसका स्पीकर लगा हुआ है वो आपको मालूम ही रहेगा। और यहाँ पे साइड में डिवाइन ऑडियो का दो दो बॉक्स रखा हुआ है। इन दोनों का भी वीडियो आपको जो है चैनल पे मिल जाएगा, तो जाके देख सकते हो, बढ़िया प्रोडक्ट है। दोनों का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन की कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट अभी भी चल ही रहा है। ये बिरको का कैबिनेट है और ऊपर रखा हुआ है दो दो एम्पलीफायर। तो ये अपना सेटअप वैसे और भी है अंदर में, अभी क्या है कि तुम्हारे भाई के पास पैसों की कोई कमी है नहीं, तो बहुत सारा सेटअप बना रखा है। तो मैं सोच रहा था इसके अंदर कुछ लगाते हैं, इसकी साउंड और बेस को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए। तो गाइस, मैं इसके अंदर लगाने वाला हूँ थर्मोकॉल। तो अभी आप लोग बोलोगे, पागल हो गया है क्या, थर्मोकॉल नहीं, इसके अंदर पॉलीफिल लगता है। तो भाई लोग, तुम्हारे भाई के पास इतना बजट नहीं है पॉलीफिल लगाने के लिए, तो मैं इसमें थर्मोकॉल लगाऊंगा। लेकिन उसका मतलब उसको लगाने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि जो थर्मोकॉल है उसका खुद का एक साइज होता है। तो अगर आप ऐसे ही लगा दोगे तो जो है आपका कैबिनेट का साइज अंदर से छोटा हो जाएगा, और ये पहले से ही छोटा है। तो मैं सोचा कि जिन भाइयों के पास पॉलीफिल लगाने का पैसा नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, क्या ही लगाएंगे अंदर में। तो इसीलिए जो है ये वीडियो सोचा कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और इसका जो है मैं अभी एक आपको साउंड टेस्ट का डेमो दिखा मतलब सुना दे रहा हूँ। अभी इसके अंदर कुछ नहीं लगा हुआ है, और जब इसके अंदर पॉलीफिल लगाएंगे उस टाइम पर जो है क्या ही इम्पैक्ट होता है, साउंड क्वालिटी में क्या इन्हेंसमेंट आता है वो भी देखेंगे। तो गाइस, ये वाला चीज़ जो है मैं इसके अंदर लगाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये कितना मोटा है। तो अगर आप इसको ऐसे ही लगा दोगे तो जो है आपका इनक्लोजर या फिर आपका जो कैबिनेट है वो मतलब उसका साइज़ अंदर से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो इतना बड़ा नहीं लगा सकते हो आप। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो है लाइन बना हुआ है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें लाइंस बने हुए हैं। तो मैं जो है इनको इतने पतले पतले काटूँगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगने वाला है। तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। और गाइस, अगर आपके पास ये वाला है, ये आप देख सकते हो, शायद कैमरा पकड़ ले, तो अगर आपके पास इस टाइप का फोम है या फिर इस टाइप का जो है थर्मोकॉल है, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा इसके मुकाबले। लेकिन मेरे पास सिर्फ इतना ही है, तो इतने से घंटा कुछ नहीं होने वाला। तो मैं इसी को लगाऊंगा पूरे कैबिनेट के अंदर में। तो इस काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसको पतले पतले शीट में काटने के लिए। तो मैं सब काट के फिर आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे जो है मैंने स्पीकर ट्विटर सबको खोल लिया है। अभी जो है मैं इसको लगाने वाला हूँ। मैंने ऐसे इसको जो है पतले पतले शीट में काट लिया है, और ये जो है इस टाइप से लग जाएंगे पूरा का पूरा। लेकिन इसमें जो है गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, हद से ज़्यादा। तो अब देख, इस टाइप से जो है ये लग जाएगा अंदर में।
और लगने के बाद क्या रिजल्ट आता है वो तो लगने के बाद ही पता चलेगा। सो गाइस, एक का काम ख़त्म हो चुका है। ये आप देख सकते हो वहाँ पे जो है थोड़ा सा मटेरियल कम पड़ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका जो है आपको मैं अंदर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए पूरा एकदम हो चुका है। तो गाइस इसका हो चुका है, तो अभी जो है इसमें भी मैं पूरा जो है थर्मोकॉल लगा लेता हूँ, फिर आपको जो है एकदम फिटिंग करके आपको सेकेंड टाइम जो है साउंड टेस्ट सुना देता हूँ कि पहले कैसा था वो तो आपने सुन ही लिया है। अभी ये काम करने के बाद जो है इसका साउंड कितना चेंज होता है वो देखेंगे। तो चलिए मैं पहले कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे फाइनली काम जो है वो पूरा हो चुका है, ये आप देख सकते हो। इधर भी लगाया है, उधर भी लगाया है, और नीचे ये हमारा छोटा सा क्रॉस ओवर लगा हुआ है, मिड बेस क्रॉस ओवर, और जो ट्विटर का है वो ट्विटर में ही लगा हुआ है। तो अभी मैं इसको लगा लेता हूँ। सो गाइस, मैंने जो है स्पीकर लगा लिया है, और अभी जो ग्लू है वो तो ठीक से सूखा नहीं है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, साउंड टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी 4 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है, शाम हो जाएगी। तो काम जो है मैं गाइस सुबह की 10 बजे शुरू किया था, तो शाम हो रही है, ये आप देख सकते हो सूरज ढल रहा है, तो बहुत मेहनत लगती है गाइस। तो इसी बात पे एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो मैं जो है स्टार्ट करता हूँ। ये थी थर्मोकॉल लगाने के बाद की साउंड क्वालिटी। अभी पॉलीफिल जितना तो आपको जो है परफॉर्मेंस या फिर क्वालिटी नहीं दे पाएगी थर्मोकॉल, लेकिन जो पहले अंदर आवाज़ इको होती थी अभी वो चीज़ थोड़ी सी दब गई है, तो जो पंच है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। ये नहीं कहूँगा कि एकदम ज़मीन आसमान वाला फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, तो इतना ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फ़र्क तो गाइस आया है, थोड़ा सा भी हो लेकिन फ़र्क ज़रूर आएगा अगर आप ये चीज़ लगवाते हो ये चीज़। लेकिन ये जो है गाइस पॉलीफिल जितना काम नहीं करेगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो अभी जो है मेरे पास बजट नहीं था, तो इसी को मैंने यूज़ कर लिया। तो बस गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।